सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टेड एट टी इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाई, इक्वेशन गिवन है एक पार्टिकल की, इक्वेशन ऑफ मोशन वो दी है एक्स इज इक्वल टू 5 sin 20 t प्लस पाई बाई थ्री, ये पाई है पाई बाई थ्री, तो जो इक्वेशन दी है वो दी है एक्स इज इक्वल टू 5 sin 20 t प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है। और जो पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है वो टी इज इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट करता है मोशन अपना। एक्स आपको सेंटीमीटर्स में दिया है, यानी जो 5 होगा जो एम्पलीट्यूड है उसके मोशन का वो भी सेंटीमीटर्स में होगा, और टाइम आपको सेकंड्स में दिया है, ठीक है। तो क्या क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम टू रेस्ट, पहली बार वो रेस्ट में कब आएगा, ठीक है। रेस्ट में आने का मतलब उसकी वेलोसिटी पहली बार जीरो कब होगी, तो पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। वी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा 5 sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 20 t प्लस पाई बाई थ्री, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तो into 20, तो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया वो आपका आया 100 cos 20 t प्लस पाई बाय थ्री, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट कम टू रेस्ट यानी वेलोसिटी जीरो कब होगी, ठीक है, पहली बार वेलोसिटी जीरो कब होगी, ठीक है। टी की वैल्यू इसमें जीरो, सॉरी वी की वैल्यू इसमें जीरो पुट करते हैं, वेलोसिटी हमें जीरो चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें टाइम फाइंड करना है कि किस टाइम पर पहली बार वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। तो 100 cos 20 t प्लस पाई बाय थ्री, तो ये 100 0 में चला जाएगा, तो ओवरऑल आ जाएगी इक्वेशन cos 20 t प्लस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पाई बाय थ्री तो है ही, तो कॉस पहली बार जीरो कब होता है, तो पहली बार जीरो होता है पाई बाय टू पे, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, तो पहली बार जीरो जो कॉस होता है वो पाई बाय टू पर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरा एंगल होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, पाई बाय टू के बराबर, यानी 20 t प्लस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, पाई बाय टू, तो कॉस पाई बाय टू हो जाएगा जीरो, तो कॉस जीरो कॉस पाई बाय टू जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं टी कितना आने वाला है, तो 20 t पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री करेंगे तो पाई बाई सिक्स बचेगा, ये 90 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 डिग्री बचेगा, यानी पाई बाई सिक्स। तो टी कितना आया, तो टी आया आपका पाई बाय 120 सेकेंड्स, ठीक है। पहली बार वेलोसिटी कब जीरो होगी, तो वो टाइम आया है पाई बाय 120 सेकेंड्स। अगर इसको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें तो कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं, तो आ जाएगा पाए डिवाइडेड बाई 120.026 सेकेंड्स, 0.026 सेकेंड्स, क्लियर। उसके बाद अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो पूछ रहे हैं फर्स्ट हैव जीरो एसलेशन, पहली बार एसलेशन जीरो कब होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर हम या तो हम ऐसा करें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर ही लिया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एसलेशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और फिर एसलेशन को क्या पुट कर दें, जीरो, ठीक है। एक चीज़ आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, एसलेशन का ये रिलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एसलेशन जीरो तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। मेन पोजिशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो मेन पोजिशन पर एसलेशन भी क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तभी एसलेशन जीरो होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट जीरो वाली वाला टाइम फाइंड कर लो। अब डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है, आप उसको क्या पुट कर दो, जीरो, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तभी एसलेशन जीरो होगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट जीरो का टाइम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको जीरो पुट करोगे तो 5 0 में चला जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास sin 20 t प्लस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा आप जरा ढंग से देखना, पार्टिकल का जो मोशन स्टार्ट होता है वो टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी टी निगेटिव नहीं हो सकता, टी पॉजिटिव ही होगा, जो कुछ भी होगा टी पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। अब अगर साइन का कुछ एंगल जीरो हो रहा है, तो साइन दो वैल्यूज पे जीरो होता है, या तो साइन आपका 0 डिग्री पे जीरो हो जाता है, या फिर साइन आपका 180 डिग्री यानी पाई पे जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये जीरो होगा कि पाई होगा, ठीक है। जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप इसको जीरो पुट करोगे तो टाइम की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और लेकिन टाइम आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, जीरो से, तो टाइम तो पॉजिटिव ही होना है, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल जो होगा वो कितना होगा, पाई। तो 20 t प्लस पाई बाई थ्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर, तो यहाँ से 20 t कितना आ गया, तो वो आ जाएगा 2 पाई बाई थ्री
और टाइम कित पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा पाई बाई 30। तो पाई बाई 30 वो टाइम होगा जिस पर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, पार्टिकल मीन पोजिशन पर होगा और एसलेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कब होगी? तो ज़रा ढंग से समझना, मैक्सिमम स्पीड मीन पोजिशन पर होती है और मीन पोजिशन वो पोजिशन होती है जिस पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो का तो हमने टाइम अभी फाइंड किया ही है, कब जीरो हुआ था, तो क्या टाइम आया था, वो आया था पाई बाई 30। तो पाई बाई 30 पे वेलोसिटी भी या स्पीड भी क्या होगी उसकी, मैक्सिमम। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का भी आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 30 सेकेंड्स। क्लियर। सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, एक पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी इक्वेशन दी आपको 2 cos 50 πt प्लस टेन इनवर्स 0.75। तो जरा ये देखें ये एंगल कितना होता है, टेन इनवर्स 0.75 को लिख सकते हो आप टेन इनवर्स 3/4। तो अगर हम ट्राइंगल बनाएं इसमें अगर ये थीटा हो, ये 3 हो, ये 4 हो, तो ये क्या आ जाएगा, 5। और टेन थीटा अगर 3/4 है तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। यहाँ से अगर आप देखो टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आएगा 3/4, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। और ये एंगल कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए, 5 और 3 के बीच में ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल है 3, 4, 5 वाला, 5 और 3 के बीच में जो एंगल होता है वो 53 होता है और ये जो एंगल बचता है वो बचता है 37 डिग्रीज। ठीक है, तो ये जो टेन इनवर्स 3/4 दिया वो बेसिकली एंगल कितना, वो है आपका 37 डिग्रीज। और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इनटू पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो ये इक्वेशन को मैंने कुछ ऐसे कन्वर्ट कर लिया है, एक्स आपको दिया है सेंटीमीटर्स में और टाइम दिया आपको सेकंड्स में। ठीक है, और मोशन कब स्टार्ट हो रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो पे मोशन ये स्टार्ट हो रहा है, यानी टाइम की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, टाइम जीरो से ज़्यादा ही होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। ठीक, तीन पार्ट्स पूछे हैं इसमें, पहला पार्ट कह रहे हैं वैन, तो जो इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर लिए तो इक्वेशन बन गई आपकी एक्स इज इक्वल टू 2 cos 50 πt प्लस 37 डिग्रीज है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 37 डिग्रीज इंटू पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ ज़रा ढंग से समझो, रेस्ट में तब आएगा जब उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना, या तो +2 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, -2। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तब होगा जब ये कॉस का जो फैक्टर है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू गेन कर रहा होगा, या तो +1 हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा, वो -1। ठीक है, अब जरा देखो कॉस जीरो कितना होता है, अगर ये पूरा फैक्टर जीरो होता तो कॉस जीरो कितना होता, कॉस जीरो होता है +1, यानी पॉजिटिव एक्सट्रीमम पे होता अगर ये पूरा फैक्टर क्या होता, जीरो। ये पूरा फैक्टर जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव टर्म है पहली चीज, और ये वाला टर्म भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मोशन आपका स्टार्ट हुआ है टी इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, एक टर्म तो पॉजिटिव है ही इसके अंदर और दूसरा टर्म भी पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि मोशन स्टार्ट हुआ टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो टाइम अब नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम तो अब पॉजिटिव ही होगा, जीरो से बड़ा ही होगा, टाइम आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा टाइम। ठीक है, तो ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो दोनों का सम जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो +1 वैल्यू तो अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ -1 हो सकती है अगर इन दोनों का सम पाई के बराबर हो जाए, अगर ये पाई के बराबर हो जाए तो कॉस पाई होता है -1, और -1 अगर हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। -2 का मतलब ये है कि वो अपने नेगेटिव एक्सट्रीमम पे होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ बनाऊँ ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीमम है +2 और यहाँ इसका नेगेटिव एक्सट्रीमम होगा -2। ठीक है, ये पूरा +2 पे तब होगा जब ये पूरा टर्म कितना हो, जीरो। जीरो अभी पॉसिबल है नहीं क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, दो पॉजिटिव टर्म को ऐड करके जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ नेगेटिव एक्सट्रीमम पे कब होगा, जब ये क्या हो जाए आपका पाई, ये पूरा टर्म, ये दोनों का सम कितना हो जाए, पाई, पाई हो सकता है। ठीक है, तो जब पाई हो जाएगा तो कॉस पाई कितना होता है, -1, यानी पार्टिकल कहाँ होगा, अपने नेगेटिव एक्सट्रीमम पे। ठीक है, जरा देखते हैं वो टाइम कितना होगा, तो 50 πt प्लस 37 डिग्रीज इंटू पाई बाई 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, पाई। तो ये पाई 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 कैंसिल, तो यहाँ से अगर आप टी फाइंड करोगे तो 50 t कितना आ गया, 1 − 37/180, तो 180 LCM आ जाएगा, 180 माइनस 37 करेंगे तो ये आ जाएगा 143। तो T कितना आ जाएगा, तो T आ जाएगा आपका 143 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 50। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको,
143 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 50, तो ये 0.01588 है, तो 1.6 कर देते हैं इसको, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर दें तो 0.016 सेकेंड। इस टाइम पर वो अपने नेगेटिव एक्सट्रीमम पे होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी जीरो होगी उसकी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं बी पार्ट में, व्हेन डज द एसलेशन हैव इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। एसलेशन मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, तो एसलेशन तभी मैक्सिमम होता है जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। एसलेशन का जो इक्वेशन होती है वो होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस बस डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो एसलेशन पॉजिटिव होगा, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो एसलेशन निगेटिव होगा, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तभी एसलेशन मैक्सिमम होता है, और ये वो जो हमने टाइम फाइंड किया ये वही टाइम है जिस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो एसलेशन भी मैक्सिमम का यही टाइम होगा, पहली बार है मैक्सिमम इसी टाइम पर होगा, तो बी पार्ट का भी आंसर ये मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द सेकंड टाइम, सेकंड टाइम रेस्ट में कब आएगा, जरा ढंग से समझना। अभी पार्टिकल फर्स्ट टाइम रेस्ट में तब आया था जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, कहीं यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पहुँचा है, पहली बार रेस्ट में आया, अब दूसरी बार रेस्ट में कब आएगा, तो जब ये यहाँ से मूव करते करते वापस यहाँ पहुँचेगा, अब दूसरी बार रेस्ट में आएगा, ठीक है। जब यहाँ से मूव करते करते ये वापस यहाँ पहुँचेगा तब ये दूसरी बार कहाँ आएगा, रेस्ट में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो कॉस प्लस वन पॉसिबल था नहीं, फिर हमने क्या किया माइनस वन, माइनस वन के बाद अब फिर से कॉस की वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम, तो वो फोर्थ हो सकती है प्लस वन। अब प्लस वन कितने एंगल पे होती है, तो वो एंगल होना होता है 2π, ठीक है, वो एंगल कितना होता है 2π, ठीक है। कॉस की वैल्यू ऑसोलेट करती रहती है, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, तो प्लस वन हो नहीं सकती थी पॉसिबल, तो पहली बार हुई थी माइनस वन, फिर होगी प्लस वन, तो एंगल पूरा कितना होना चाहिए 2π, ठीक है। तो इसको 2π के बराबर इक्वेट कर देते हैं, 50π t प्लस 37 डिग्रीज पाई बाय 180 इज इक्वल टू 2π, पाई 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 कैंसिल, टू माइनस 37 बाई 180, तो एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 360 माइनस 37 बाई 180, 327 बचेगा यहाँ पे, 323 अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। तो ज़रा टी निकालें, टी आ जाएगा 323 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 50, देखते हैं कितना आएगा, ये 323 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 50, तो यह 0.03588, तो 36 कर देते हैं इसको, 0.036 सेकेंड्स, 0.036 सेकेंड्स के बाद वो फिर से रेस्ट में आएगा, और वो किस पोजीशन पे होगा, जब वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीमम पे होगा, क्लियर। 8th क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर करना है, उसका टाइम पीरियड कितना दिया आपको, टी। ठीक है, टाइम पीरियड कितना दिया आपको, टी, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज वैल्यू फ्रॉम हाफ द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड, ठीक है, ढंग समझना आपको, आपको टाइम बताना, जैसे मान लीजिए ये प्लस पॉजिटिव एक्सट्रीमम है, हाफ एम्पलीट्यूड से पूरे एम्पलीट्यूड तक पहुँचने का टाइम बताना, यानी ए बाई टू से ए तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेन पोजीशन से ए तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो वो टाइम होता है टी बाई फोर, क्योंकि एक ऑसिलेशन कम्प्लीट ही कब होता है, जब मीन पोजीशन से ए पहुंचेगा, फिर मीन पोजीशन पहुंचेगा, फिर माइनस ए पहुंचेगा, फिर मीन पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। तो टी बाई फोर इसमें लगेगा, फिर टी बाई फोर इसमें लगेगा, फिर टी बाई फोर इसमें लगेगा, फिर टी बाई फोर इसमें लगेगा, टोटल टाइम कितना हो गया टी, ठीक है। तो पूरा टाइम कितना लगता है टी बाई फोर, वो तो हमें पता है। अब अगर हम मीन पोजीशन से ए बाई टू तक का टाइम फाइंड कर लें, तो ये टाइम हम इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने कह दिया स्मॉल टी, ठीक है। तो स्मॉल टी फाइंड करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, पार्टिकल मान लिया मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इक्वेशन जो आएगी वो आ जाएगी इसकी ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब वो कहाँ तक का टाइम फाइंड करना है आपको, ए बाई टू तक का पहुंचने का टाइम फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, ए बाई टू, देखते हैं ए बाई टू तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, ये ए साइन ओमेगा टी, ए से ए कैंसिल, हाफ, तो साइन ओमेगा टी कितना आ गया, तो वो आ गया आपका हाफ,
इसका मतलब ओमेगा टी कितना होगा, तो ओमेगा टी आ जाएगा पाए बाय सिक्स। ठीक है, ओमेगा कितना होता है, तो ओमेगा होता है आपका 2π/T इंटू स्मॉल टी इजक्वल टू पाए बाय सिक्स, पाई से पाई कैंसिल, तो स्मॉल टी कितना आ गया, तो स्मॉल टी आ जाएगा T/12 सेकेंड्स। ठीक है, यानी मेन पोजिशंस को ध्यान रखना है, मेन पोजिशन से A/2 तक हाफ एम्पलीट्यूड तक पहुंचने का टाइम कितना है, तो वो आया T/12 सेकेंड्स। ठीक है, तो A/2 से A तक पहुंचने का टाइम कितना होगा, A/2 से A तक पहुंचने का या वापस आने का टाइम कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका T/4 - T/12। टोटल में से वो माइनस दिया पहला वाला टाइम, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ये हुआ 3 3T - T यानी 2T/12 यानी ये कितना आ गया T/6। ठीक है, तो रिमेनिंग A/2 से A तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, T/6। तो ये दोनों टाइम आपको याद रखने हैं, मेन पोजीशन से A/2 तक पहुंचने का टाइम कितना T/12, और A/2 से A तक पहुंचने का टाइम कितना T/6। क्लियर, यहाँ पे स्पीड मेन पोजीशन के आसपास पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए टाइम कम लग रहा है, यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है इसलिए टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। क्लियर, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है ये। द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज रिप्लेस्ड बाई ए स्प्रिंग मास सिस्टम विद द स्प्रिंग हैविंग ए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 0.1 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक क्लॉक का पेंडुलम है, तो क्लॉक का पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड्स होता है, जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक पहुँचने का 1 सेकेंड, फिर दूसरे एक्सट्रीम से फिर वापस पहले एक्सट्रीम के आने का 1 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल जो मिल गया वो कितना हो जाएगा आपका 2 सेकेंड्स। ठीक है, और आप उसको रिप्लेस कर रहे हो एक स्प्रिंग मास सिस्टम से, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का भी टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 2 सेकेंड्स। ठीक है, ऊपर जाएगा एक्सट्रीम पोजिशन से नीचे तक आने का टाइम 1 सेकेंड, और नीचे से ऊपर तक पहुँचने का भी टाइम कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड। ठीक है, और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है 2π√m/k। तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, k आपको गिवेन है, और टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 1 = आ गया पाई, m फाइंड करना है आपने, k कितना है, k दिया आपको 0.1, स्क्वायर कर देते हैं ज़रा इसको, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, पाई स्क्वायर ये हो जाएगा m/0.1, तो m कितना आ गया, तो m आ गया आपका 0.1/π². पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट हम 10 लिख लेते हैं, ध्यान रखना ही आपको, तो 0.1/10 तो आ जाएगा 0.01 kg। ग्राम्स में लिखना है तो ये अराउंड 10 ग्राम्स के आसपास आंसर मिल जाएगा आपको। अप्रोक्सीमेशन आपको ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेशन क्या लिया गया है यहाँ पे, पाई स्क्वायर को हमने अप्रोक्सीमेट कितना कर दिया है, 10। क्लियर, 10th क्वेश्चन करते हैं, ईजी है ये काफ़ी। ए ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में एक ब्लॉक वर्टिकल स्प्रिंग से सस्पेंड किया गया है और इक्विलिब्रियम में है वो, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं के और मास मान लेते हैं इसका एम। ठीक है, तो कह रहे हैं शो दैट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इक्वल टू द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जो है तो एक्सटेंशन निकालने कितना होगा, तो एक्सटेंशन अगर इसमें मान लिया एक्स है तो इक्वेशन बनेगी KX = mg, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा KX, स्प्रिंग लगा रही होगी, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा इसका वेट, तो एक्सटेंशन यहाँ से कितना आ गया, तो एक्सटेंशन आ गया आपका mg/k। ठीक है, एक्सटेंशन कितना मिल जाएगा, mg/k। अब क्या 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 रहे हैं वो देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इक्वल्स द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम, दोबारा लिख गया है, लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम हैविंग फ्रीक्वेंसी सेम एज दैट ऑफ ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी उस सिंपल पेंडुलम की होनी चाहिए जो सिंपल पेंडुलम स्विंग करेगा। तो ये कह रहे हैं कि उसकी जो लेंथ होगी वही लेंथ इसके एक्सटेंशन एक्स के बराबर होगी, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, जो फ्रीक्वेंसी इसके ऑसिलेशन की वही फ्रीक्वेंसी इसके ऑसिलेशन की है, तो इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होगी वही इसके एक्सटेंशन के बराबर होगी। ठीक है, तो जरा देखते हैं, चेक करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ऑसिलेशन की, या टाइम पीरियड देख लेते हैं, टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा तो इसका टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, और इसका जो टाइम पीरियड होता है 2π√l/g, और ये कह रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो लेंथ इसके बराबर होगी, तो जरा इक्वल करके देखते हैं, 2π से 2π कैंसिल, स्क्वायर कर देते हैं, तो m/k किसके बराबर हो गया, l/g के बराबर, तो l यहाँ से कितना आ जाएगा, तो l आ जाएगा mg/k, और x भी कितना आया है, mg/k, तो ये बिल्कुल ठीक है, लेंथ किसके बराबर है, एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग के बराबर है, अगर
दोनों का टाइम पीरियड, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। क्लियर?